हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस तो सब करके देते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को उसके पीछे का लॉजिक बताया जाते हैं? क्या कल आप लोग कॉल के ऊपर और पुट के ऊपर किसके ऊपर काम करना है वो बताया जाते हैं? अगर वो भी बताया जाते हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन या कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन के अंदर करना है वो क्या बताया जाते हैं? नहीं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में तो पहले तो बात ये है कि अगर आप नए हैं इस चैनल के अंदर, यहाँ पर बहुत कुछ इनपुट मिलता है, बहुत वीडियो डालता हूँ, लाइव आता हूँ, तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन किया है। पहले हम लोग निफ्टी 50 को देखते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी को देखेंगे और एकदम लास्ट में जाके हम लोग दोनों का कॉल पुट ऑप्शन क्या कर सकते हैं कल के लिए वो डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट एक घंटे का चार्ट टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर आप देखें कि आज इसने गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर थोड़ा ही ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो यहाँ पर टॉप लास्ट टाइम बनाया था उसके आसपास से ही ये रिटर्न आ रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये एरिया को एक रेजिस्टेंस मान चुका है। तो अब ये क्या करेगा, पॉसिबिलिटी क्या है? ये पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से ये रिवर्स ऊपर चले जाए या यहाँ से ये नीचे आ जाए। तो नीचे आएगा तो क्या होगा, मैक्स टू मैक्स ये एरिया को नीचे अगर चले आते हैं यहाँ से निफ्टी 18,550 के नीचे, इस एरिया के नीचे, तो ये वीक हो जाएगा और वीक होने के बाद कहीं ना कहीं इस एरिया को टेस्ट करने के लिए यहाँ तक चला आएगा 18,450 के आसपास। और अगर ये यहाँ से रिटर्न आ जाते हैं ऊपर, यहाँ पर एक सपोर्ट लेके ऊपर आ जाते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉप को काटने से ये स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो एक बार हम लोग अगर 18,650 के ऊपर चले जाए तो स्ट्रांग हो जाएंगे, और अगर 18,550 के नीचे चले जाए तो वीक हो जाएंगे। तो उस बेसिस हम लोग कल प्लान करेंगे किस तरह से काम करेंगे, लेकिन उसका वीडियो के एंड में आएगा। पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है, गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अगर आप ध्यान से देखें इसने क्या किया था, इसने बहुत बढ़िया ऊपर गया था लेकिन उसके बाद फॉल आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉप बनाया है ये एक लोअर लो, यहाँ पर लोअर हाई बनाया है, तो इस एरिया के ऊपर ये स्ट्रांग होगा, यानी कि 44,250। और ये नीचे आ रहा है, आपको पहले भी मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि 44,000 के आसपास इसका बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। पहले वो रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब देखिए कितना बार यहाँ पर कितना बार इसने रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ पर, तो ये बार बार इस एरिया को रेजिस्टेंस लिया था, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। तो 44,000 के नीचे अगर ये चला जाएगा वीक हो जाएगा, और ये 44,000 पे सपोर्ट लेकर फिर से अगर ये 44,200 के ऊपर चला जाएगा तो स्ट्रांग हो जाएगा। तो उस बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग चल पड़ते हैं इसका जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया उसके ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कमेंट करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इंट्राडे का 3 स्टॉक कल के लिए डाला है, वो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। उसके साथ पेनी स्टॉक को लेके एक वीडियो मैंने बहुत वहाँ पर मेहनत करके बनाया है, उसको जाके एक बार देख लेना। अब हम लोग कल का प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है। कल क्या प्लानिंग रहेगा, कल निफ्टी, पहले तो निफ्टी 50 अगर अबाव 18,650 जाते हैं जैसे मैंने बोला, तो 8 जून का 18,500 कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस अभी चल रहा है 154, तो अब अगर वो लेवल क्रॉस करता है तो 170 प्लस हो जाएगा, तब हम लोग वहाँ से उसको बाई करेंगे। अगर निफ्टी बिलो आ जाता है 18,550 जैसे मैंने बोला, अगर सपोर्ट ब्रेक करते हैं, तो 8 जून का 18,750 का पुट ऑप्शन जो अभी चल रहा है 140 के आसपास, तब हो जाएगा 160 प्लस, तो उसको तब बाई करेंगे, ठीक है। लॉजिक को समझ लीजिए। बैंक निफ्टी अगर 44,250 के ऊपर जाते हैं तो हम लोग तब 44,100 का कॉल ऑप्शन 8 जून का जो कि अभी चल रहा है 244, तब हो जाएगा 310 के करीब करीब, उसके आसपास हम लोग उसको बाय करेंगे। और बैंक निफ्टी अगर नीचे आते हैं और 44,000 के नीचे आके
मतलब सस्टेन हो जाते हैं, तब 44,300 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, जो कि अभी चल रहा है 260 के आसपास, तब हो जाएगा 325 के आसपास, तब हम लोग उसको वहां से बाय करेंगे। तो पूरा प्लान रेडी है, देखिए मैंने कुछ वीडियोस जोड़ दिया है, मैंने जो आज कल के लिए तीन इंट्राडे स्टॉक्स को चुना है वो तीन स्टॉक का वीडियो जाके देख लीजिए, और जो मैंने पेन स्टॉक के लिए वीडियो डाला है वो भी स्क्रीन में दे दिया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।